हेलो दोस्तों, मैं हूं मसूद अंसारी। यूट्यूब चैनल MM टेक्निकल्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास में ये एक मेगाफोन है जो जनरल ठिकानों पर या फिर जहां पर लाइट वगैरह का इंतज़ाम ना हो या फिर जहां पर लेकर के घूमना हो अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ारों के अंदर बहुत सारे व्यापारी लोग भी इस मेगाफोन का इस्तेमाल करते हुए हमको नज़र आते हैं। और इसका बहुत सीधा सा है सर्किट, ये देखिए, इसके अंदर ये जो पाइप लगा हुआ है इसके अंदर सेल होते हैं और ये सेल यहाँ से वायर आकर के ये अंदर सेल का ये वायर अंदर जाता है और यहाँ पर इसका ये है जो है वॉल्यूम कंट्रोल है और ये यहाँ पर इसका LED है और ये यहाँ से इनपुट हमको देना है। हमारा जो माइक का जो इनपुट होगा वो यहाँ से जाएगा। बस ये इतना सा इसके अंदर सर्किट है। तो अब इसका प्रॉब्लम तो ये था कि इसके अंदर सेल जो है पूरे के पूरे ख़राब होकर के फंस गए थे, जिसकी वजह से ये सारे वायर वगैरह इसके टूट गए हैं। लेकिन ये ऑपरेट हो रहा है, इसको अगर एक्स्ट्रा पावर यहाँ से, जैसे ये दो यहाँ पॉइंट है, ये दो पॉइंट में अगर हम यहाँ पर बैटरी से सप्लाई देते हैं तो ये चालू हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा खरखराहट की आवाज़ आ रही है। मैं आपको इसको चेक करवा देता हूँ। ये हमारी बैटरी के ये दो वायर हैं, मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। तो ये यहाँ ब्लैक इसमें माइनस में और ये प्लस में, और ये हमारा माइक का वायर। अब मैं इसको चालू करता हूँ। देखिए ये चालू तो हो गया है। हेलो। जैसे आपने देखा ये बहुत ज़्यादा खरखराहट इसके अंदर आ रही है। तो इसको हम खोलते हैं और खोल करके इसको रिपेयर करते हैं। तो पहले तो हम इसका ये पाइप निकाल देते हैं, क्योंकि ये पाइप पूरा तरीके से ख़राब हो चुका है। इसको इसके दोनों साइड के ढक्कन भी चले गए हैं, यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस होता है। तो इसको अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसको हम लगाएंगे, जब तक हम इसको बैटरी से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो खरखराहट इसके अंदर है तो इसको हमको जो है रिपेयर करना है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, छोटा सा एक सर्किट रहता है और ये खरखराहट अक्सर ये वॉल्यूम कंट्रोल की वजह से होती है। तो आइए हम इसको खोलते हैं और खोल करके देखते हैं। तो ये तीन स्क्रू यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं इनको निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये तीनों स्क्रू मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको इस तरह से घुमा कर दीजिए, बाहर आ जाता है। तो देखिए इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं कि अगर किसी टेक्नीशियन भाई को कभी इसकी रिपेयर की ज़रूरत पड़े और कोई रेजिस्टेंस या कोई कंपोनेंट इसमें अगर जला हुआ हो तो इससे उसको मदद मिल सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 810 IC लगा हुआ है और ये दो कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैट और 16 वोल्ट के हैं और बाकी इधर के जो दो कैपेसिटर्स हैं तो ये 63 वोल्ट और 10 माइक्रोफैरेड और 16 वोल्ट 100 माइक्रोफैरेड के ये कैपेसिटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और रेजिस्टेंस के आप कलर कोड तो देख ही पा रहे हैं और साथ ही साथ इसके जो यहाँ के कनेक्शंस हैं ये यहाँ पर ये ऑडियो इनपुट के लिए माइक के लिए जो है सॉकेट लगा हुआ है और
ये यहाँ पर इसका पोटेंशियोमीटर यानी वॉल्यूम कंट्रोल कम ज़्यादा करने के लिए, और ये यहाँ पर ये हमारा एलईडी है ये, और ये दो बैटरी के इनपुट हैं। लेकिन असल हमारा जो प्रॉब्लम है तो वो ये वॉल्यूम कंट्रोल की वजह से हो सकता है, तो हम पहले इस वॉल्यूम कंट्रोल को क्लीन कर लेते हैं, और क्लीन करने के बाद देखते हैं कि अगर ये चल गया तो ठीक है, वरना फिर हमको ये वॉल्यूम कंट्रोल को चेंज करना पड़ेगा। ये अब हमारे पास में ये WD-40 है, ये स्प्रे मैं इसमें मारता हूँ और मार करके इसको साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। अगर WD-40 ना हो तो आप थिनर या फिर पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल ज़्यादा खुश्क हो जाता है, तो उसमें पेट्रोल में हल्का सा ऑयल मिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में फिर से खरखराहट होना शुरू हो जाती है। तो चलिए अब हम पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। आइए अब हम इसको फिर से लाइन दे करके देखते हैं कि इसका फॉल्ट निकला है या अभी इसमें फॉल्ट बाकी है। हेलो हेलो, हेलो 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 माय टेस्टिंग, हेलो 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 माय टेस्टिंग, हेलो हेलो। देखिए दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये हमने जो WD-40 इसके अंदर मारा है, तो उसकी वजह से इसकी जो खरखराहट थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और ये अच्छे से बजने लग गया है। तो दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ इतना ही फॉल्ट था कि इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल था ये काफ़ी दिनों से बंद होने की वजह से इसके अंदर जो है कुछ डस्ट वगैरह आ गई थी, और उस वजह से इसके अंदर ये खरखराहट आ रही थी, और हमने इसको अभी WD-40 मार करके साफ़ किया है, तो उसकी वजह से ये आवाज़ साफ़ हो गई है और इसकी खरखराहट ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।